महुआ जिले के कस्बा बैलाताल में मां काली की प्रतिमा रखी गई थी, जिसका आज एक अलग ही तरीके से विसर्जन किया गया। आपका नाम? राजेश कुमार खटीक। कहाँ के निवासी हो? बैलाताल जैतपुर। काली जी की मूर्ति रखी, इसका क्या रहस्य है? इसका ये रहस्य है कि बैलाताल में सिर्फ एक ही पहली बार मूर्ति रखी गई, वो भी खटकारे में मूर्ति रखी गई है। और विसर्जन होगा होने में जो बस स्टैंड है। अच्छा, तो इसमें आपने इतने देर रखी है, ये अलग से है, पहली बार हुआ है बैलाताल? पहली बार हुआ बैलाताल में, पहली बार काली माँ की मूर्ति रखी गई है। पहले कभी नहीं ऐसा? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये 9 दिन पूरे होने पर कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं आई। अच्छा, तो आज इनका विसर्जन होने जा रहा है, विसर्जन किस प्रकार से होगा आपके? विसर्जन बहुत हिसाब से होगा कि एक सेकंड के लिए, पल भर के लिए माता जी रास्ते में खड़ी नहीं होगी। वो खड़ी हो जाएंगी तो बलि देना पड़ेगी। अच्छा, यही इसका रहस्य है। और आगे भी जो आपकी है, देखने के लिए कितने भक्तगण मौजूदगी में रहे अभी तक? लगभग 1.5 हजार के लगभग रहेंगे। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आगरा में लाल किले के सामने स्थित रामलीला मैदान में श्री रामलीला का आयोजन चल रहा था, जिसमें श्री राम ने तीर चलाकर रावण का वध किया, जिससे 60 फीट ऊंचे रावण का पुतला रंग बिरंगी आतिशबाजियों के साथ धू धू कर जलने लगा। रावण का पुतला जलने के साथ ही लोगों ने जोर जोर से प्रभु जय श्री राम के नारे लगाए। कमेटी के ग्राउंड में है और यहाँ कुछ दर्शक रावण का वध देखने आए। मैं पूछना, कब से आ रही हैं आप? हम थोड़ी देर पहले आए हैं, लेकिन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि आज रावण देखे, अपनी बेटी को दिखाएं, जिससे कि वो हमारी संस्कृति को समझ सके। इससे पहले भी आप आगरा में रावण वध देखने? नहीं, इससे पहले मैंने यहाँ का नहीं देखा, लेकिन मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ, तो मैंने अलीगढ़ का देखा है। यानी आप अलीगढ़ से ये देखने आए? बिल्कुल, अलीगढ़ से आज आगरा देखने आए हुए हैं। कैसा लग रहा भाई साहब? अभी तक तो बहुत ही शानदार लग रहा है, अभी बस रावण दहन देख लें तो मज़ा आया पूरा। लोगों को कहना है कि अलीगढ़ से चल के, मुरादाबाद से चल के कई जगह से यहाँ लोग आ रहे हैं और रावण का स्पेशली वध देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आगरा की रामलीला पूरे उत्तर भारत में ऐतिहासिक रूप से होती है। सही, क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? विजयदशमी की समस्त आगरा वासियों को शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व है, अनीति पर नीति की जीत का पर्व है, ये दुराचार पर सदाचार की जीत का पर्व है, ये अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आज त्रेता में उस समय के धर्मी रावण का नाश किया और रामली का अयोध्या ही हम सब लोग स्वागत करेंगे। रामनवमी और दशहरा के वक्त पे आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? ये त्योहारों वाला महीना है, आज आप रामनवमी होगी, आज दशहरा है, इसके बाद करवा चौथ भी आएगी, छोटी दिवाली आएगी, धनतेरस आएगी, दिवाली आएगी। त्योहारों का ये है, इनको मनाते हम भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता पुराण, महाभारत, ऊर्जाएँ, सांस्कृतिक धरोहर, साहित्यिक विरासत और धार्मिक मान्यताओं को अक्षुण बनाने का काम करते हैं। भारत में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान को देखने के लिए कोरियाई प्रतिनिधि मंडल आगरा नगर निगम पहुंचा। आज सुबह प्रतिनिधि मंडल ने लाल किले को देखा, फिर मंडल सदस्यों ने आगरा के स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर बारीकियों से देखा और जाना कि किस तरह से आगरा स्मार्ट सिटी का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने भी अपने जो उनके चीफ हैं ऑफिसर्स के, उन्होंने भी अपना संबोधन यहाँ दिया और उन्होंने कहा कि हम बहुत प्रभावित हो रहे हैं आगरा में आके, और आगरा के लोगों से मिलकर आगरा में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको देखकर हमें इतनी कल्पना नहीं थी जितनी कल्पना के अधिक हमें आगरा को देखने में मिला। और इनके जो हमने स्वागत किया उस स्वागत से भी बहुत ही खुश हैं और मुझे लगता है कि हमारा जो एक दृश्य रहता है कि आगरा विश्व का या हिंदुस्तान का सबसे गंदा शहर है, वो धारणा बदल रही है, क्योंकि जब कोरियाई प्रतिनिधि मंडल आया, उन्होंने आगरा को देखा, भ्रमण करने के बाद जब प्रशंसा की है, तो अब लोगों की सोच भी बदल रही है। बाहर के इंडिया से बाहर के रहने वाले लोगों की सोच बदल रही है कि अब आगरा में बदलाव की प्यार शुरू हो गई। आप सब लोग कल रात में ही यहाँ पे जेपी होटल में आके रुके हैं और आज आपका ये है कि हमारा आगरा फोर्ट, आगरा ताज और आगरा स्मार्ट सिटी, आगरा नगर निगम का ऑफिस, आगरा स्मार्ट सिटी में हो रहे कामों को देखने का इनका प्रोग्राम है, जिसके तहत सुबह से ही अभी अकबर टुंग आपने देखा है और
आगरा फोर्ट देखा है, ताजमहल देखा है, नगर निगम के ऑफिस का भी हम दौरा कराए हैं। उसके साथ साथ हमने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में आपको ब्रीफिंग दी है, साथ ही साथ हमने पूरा आगरा स्मार्ट सिटी का प्रेजेंटेशन भी आपको दिया है। तो आज इनका इतना ही कार्यक्रम है, इसके बाद जो दोनों देशों के बीच जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको साझा करने की बात करी गई है, और साथ ही साथ ये भी हुआ है कि हमारे जो मेयर साहब हैं ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के भी चेयरमैन हैं और आगरा नगर निगम के मेयर हैं, उनसे एक इस स्तर पे भी बात हुई है कि इंडिया में जो भी अच्छे काम हो रहे हैं उसको इंडिया लेवल का एक आपके स्तर से प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे कॉल किया जाए और उनको भी कोरिया में हो रहे अच्छे कामों को साझा किया जाए। और दूसरी जो बात तय हुई है वो ये हुई है कि जो डेवलपमेंट का मॉडल कोरिया में है और जो डेवलपमेंट का मॉडल हमारा आगरा का है, वो क्या किस तरह से हम कोलेबरेट कर सकते हैं, किस तरह से दोनों देशों में एक आपसी कोलेबरेशन हो करके कैसे हम कुछ फॉरवर्ड जो है हो सकते हैं, चीज़ों को कैसे फुट फॉरवर्ड कर सकते हैं और किस तरह से हमारी जो एक डेवलपमेंट मॉडल है कोरिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे हमको उसमें सपोर्ट कर सकती है, इन सारी चीज़ों पर मंथन हुआ है। और आगे जा करके सीनियर ऑफिसर्स ने हमें आश्वस्त किया है कि वो अपनी गवर्नमेंट में इस बातों को रखेंगे और थ्रू एम्बेसी इसमें आगे हम देख रहे हैं कि कमिंग फ्यूचर में आगरा के साथ कोरिया कोलैबोरेट करेंगे। नागौर जिले के ग्राम दुजार में विवाहिता के गायब होने का मामला सामने आया है, जहां पर जागृत समाज के लोगों ने रामनिवास पटेल की मौजूदगी में जिला अधिकारी को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पत्नी गमन 15 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्यवाही हुई पर नहीं। 26 तारीख को लापता है, बी के साथ हमारे बच्चों 3.5 साल को बी की बहुत चिंता है, पुलिस वाले कोई कार्यवाही कर रहा है। आज 15 दिन हो गया, मन शक्कर काट था सर। दुजार वाले जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है उसके बारे में क्या प्रोग्रेस हुई? गुमशुदगी दर्ज हो चुकी है, उसके लिए कॉल डिटेल भेजी हुई है, कॉल डिटेल आई है, उस कॉल डिटेल को चेक कर रहे हैं। उसका बैंक खाता है वो गुवाहाटी का खाता है, गुवाहाटी खाता से संपर्क कर बैंक मैनेजर से वहाँ के खाता की कॉल डिटेल मंगवाई जा चुकी है और उस खाता को खंगाला जा चुका है और उसकी कॉल डिटेल चेक की जा रही है, जैसे ही उसको हो जाएगा तुरंत दस्तयाब कर ली जाएगी। देवरिया के जनपद ग्राम करणपुरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ दबंग किस्म के लोगों द्वारा गाड़ी रोककर फायरिंग कर दी गई, जिसमें ट्रैक्टर चला रहे व्यक्ति एक लड़की गोली लगने से बाल बाल बचे। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने मूर्ति विसर्जन रोककर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर उप जिला अधिकारी रुद्रपुर भारी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, वहीं गोली चलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन देकर घंटों की मुशक्कत के बाद जाम खुलवाया। ये जो घटना हुई है इस संबंध में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली में ये संज्ञान में आया है कि ये दो लोग जो बलवंत सिंह और प्रभाकर सिंह थे, इनके बीच दो दिन पहले भी कुछ कहा सुनी हुई थी और परिणाम स्वरूप जो है आज उसके द्वारा ये लोगों द्वारा बताया गया है कि फायरिंग की गई है ये प्रभाकर द्वारा। इसमें आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? एक्चुअली ये लोग FIR दे रहे हैं, FIR लॉन्च करके इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। क्या नाम है बेटा आपका? क्या घटना हुई है आपके पापा को? ट्रैक्टर से कहाँ जा रहे थे आप लोग? वो क्या करने जा रहे थे, मूर्ति लेकर? तो कौन आप पे, कौन वही किया है, क्या क्या किए हैं वो? अच्छा, आपके पापा को चोट लगी है? बाल मारे भी हैं? आपके साथ कौन सी क्या घटना हुई है? मूर्ति ले जा रहे थे जी, गोली चलाया। कौन गोली चलाया है? किसके ऊपर चलाया है? आपका क्या नाम है? कहाँ घर पड़ता है? कोई विवाद था क्या आप लोगों से पहले से? कोई विवाद नहीं। तो वो आखिर में इसके पहले कोई आपसे उनसे रंजीश जो जिसने गोली चलाया? रंजीश पहले से वही रंजीश थी कि दुर्गा पूजा में शक्तिशाली कर रहा था, क्योंकि बोल दिए क्यों जहाँ भगमत गाड़ी थे जिस बात उसको गाड़ी थी वही रंजीश थी विवाद था। कासगंज नगर कोतवाली सहावर क्षेत्र के ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल में महिला टीचर के द्वारा एक 5 साल के मासूम बच्चे को पीटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि टीचर ने महज इसलिए मासूम को पीटा कि क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था।
यूपी के जहांगीराबाद में एकादशी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें महाकाली का विराट जुलूस बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में नगर व क्षेत्र के आसपास के गांव के लोगों ने भाग लिया, जिसका उद्घाटन व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सोनू पाठक व मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने माँ काली की आरती उतार कर फीता काट कर किया। काशी का मेला निकल रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? और मेले के आयोजकों को बधाई देता हूँ कि ऐसे भव्य मेले का आयोजन के लोगों के लिए माता काली की यात्रा और शोभा यात्रा निकाली है, इसके लिए मैं बधाई के पात्र हूँ और सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं। और हम लोग अर्धरात्रि में खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं माँ भगवती की, मुझे लगता है इससे ज़्यादा श्रेष्ठ और किसी के जीवन में क्या हो सकता है। यहाँ के व्यापार मंडल को, सोनू भैया को, डॉक्टर भोला सिंह जी को, जो इसमें आकर के इसमें सम्मिलित होकर के मुझे लगता है कि परमात्मा ने आत्मसार होने का एक और मौका हम लोगों ने पा लिया। शायद मुझे लगता है किसी भी मनुष्य के लिए इससे ज़्यादा श्रेष्ठ उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती।